कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्वामी चिन्मयानंद पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर अब बड़ा हमला बोला है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि यूपी की बीजेपी सरकार ने अपनी हरकतों से अब साफ कर दिया है कि उनका महिला सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार की सुबह ट्वीट करके कहा कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने अपनी हरकतों से अब साफ कर दिया है कि उसका महिला सुरक्षा से कोई वास्ता नहीं है। आखिर क्यों शिकायतकर्ता लड़की को दोबारा प्रेस के सामने सुरक्षा की गुहार लगानी पड़ रही है? आखिर उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी सुस्त क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि आरोपी का संबंध बीजेपी से है। गौरतलब है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को छात्रा के यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद से संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। बावजूद इसके मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी आरोपी स्वामी से ज्यादा पीड़िता से ही पूछताछ कर रही है। यही वजह हो सकती है कि आरोपी चिन्मयानंद को एसआईटी पूछताछ के लिए एक बार भी नहीं बुला सकी है, जबकि पीड़िता को और उसके परिवार को एसआईटी के सवालों का जवाब देने के लिए इधर से उधर धक्के खाता देखा जा रहा है। बीते बुधवार को कमोबेश यही नजारा देखने को मिला। एसआईटी के कुछ सदस्य छात्रा का मेडिकल लेने में लगे रहे तो कुछ ने छात्रा द्वारा बताए स्थानों पर मुआयना किया, जबकि कई सदस्य इस मामले से जुड़े छात्रा पक्ष को घेर कर उन पर पूरे दिन सवालों की बौछार करते रहे। कहीं ना कहीं पुलिस की कार्रवाई से अब लग रहा है कि पुलिस बीजेपी के नेता का इस मामले से जुड़े होने के बावजूद इस मामले में ढील तो नहीं दे रही है और कहीं ना कहीं छात्रा पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो इस मामले से पीछे हट जाए। एसपीएन 9 न्यूज़ के लिए मैं ब्रह्मांश यादव। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।